सर गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 200। अच्छा भला गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आज के टाइम पे, प्रॉफिट कमाना बड़ा मुश्किल है, ऊपर से वो भी माइनस कर रहे हो। सर लॉस बाय स्टॉक ऑफ फायर, अब स्टॉक जल गया नुकसान हो गया वो प्लस कर रहे हो। सर कर कह रहे हो, माजरा क्या है सर, बूंदी उड़ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कोई बात नहीं यार, यहीं पे सीखेंगे ना। हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो जहां पे आज हम पढ़ेंगे गुडविल। आज हम पूरा ओवरव्यू लेंगे गुडविल चैप्टर का। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ, जा सकते हो। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसका पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है, ताकि आपको कोई चीज़ अगर भूली है, छोटी छोटी चीज़ जो आपकी गलतियाँ होती हैं वो आप एक बार देख लो, ताकि कोई गलतियाँ ना हो, चीज़ें भी रिकॉल हो जाए। ठीक है, आज हम गुडविल का चैप्टर पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप मुझे एक नीचे आंसर दे दोगे, गुडविल हमारा टेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है? कमेंट में देखता हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। तो दोस्तों, गुडविल बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई हम उसको कर सकते हैं, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या हो गई? गुडविल जो हमने खरीद ली है, और सेल्फ जनरेटेड जो हमने खून पसीने करके मेहनत से अपनी गुडविल बनाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर है बेसिकली, यहाँ पे हम सीखेंगे कितने मेथड्स हैं गुडविल निकालने के, वो हम सीखेंगे। दोस्तों गुडविल निकालने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। बड़ा इजी चैप्टर है ये, अंडरस्टैंडिंग वाला है। बस एक चीज़ है, एक दो चीज़ें छोटी छोटी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों से गलती होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ताकि आज से कोई गलती ना हो। ठीक है, पहले हम आते हैं एवरेज प्रॉफिट पे। मुझे एक चीज़ बताओ, आज मैंने 10 टॉफीज खाई, एक दिन पहले मैंने 20 खाई, उससे एक दिन पहले मैंने 30 खाई, एवरेज टॉफीज कितनी खाई होंगी बताओ? आप क्या करोगे, 10 + 20 + 30 / 3, नंबर ऑफ डेज 3। बस यही है यार एवरेज प्रॉफिट भी। ठीक है, हम पहले नजर डालते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट में। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम बेसिकली करते क्या हैं, जितने भी हमें इयर्स का प्रॉफिट गिवन हो तो उन सबको ऐड करते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इयर्स। तो कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, देख लो। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट जितने सालों को हमें गिवन है अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, जितने ईयर्स हमें गिवन है उससे हमारा निकलता है एवरेज प्रॉफिट। फिर हम गुडविल निकालते हैं। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देख लो फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, तो गुडविल कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये हो गया आपका पहला तरीका, एवरेज प्रॉफिट निकालने सिंपल एवरेज का तरीका हो गया आपका। इसमें जो एक चीज़ गलती होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर बच्चे मुझे बोलते हैं, सर स्टॉक बाय फायर हम इसमें इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, सर नॉर्मल लॉस क्या होता है, गेन क्या होता है? ध्यान से समझ लो, हम जब भी गुडविल निकालते हैं जो प्रॉफिट में चीज़ें, सिर्फ वही इंक्लूड करते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में हम यूज़ करते हैं, मतलब रेगुलर हमारे खर्चे, रेगुलर हमारी इनकम, बस वही रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल प्रॉफिट को छोड़ के, मतलब नॉर्मल एक्सपेंस नॉर्मल इनकम को छोड़ के कोई एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, सपोज करो कोई इरेगुलर चीज़ हो रही है, या बोलो नॉन यूनिफॉर्म चीज़ हो रही है, मतलब जो हमारे डे टू डे खर्चे नहीं हैं उसको आप ठीक करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आपके गुड्स जल गए फायर की वजह से, क्या वो हर साल जलेंगे? नहीं, हर साल नहीं जलेंगे, पर इस साल आपको लॉस हो गया, उसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस, क्योंकि डे टू डे हमारा खर्चा नहीं है। अब और बोलोगे सर नॉर्मल एक्सपेंस है, लॉस कौन सा होता है? देखो नॉर्मल एक्सपेंस हमारा हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम, हर साल देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया नॉर्मल और एबनॉर्मल में। नॉर्मल जो हम डे टू डे ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, जो हमारे खर्चे डे टू डे ऑपरेशन में होते हैं, या इनकम जो भी होती है। तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है आपको, अब देखो वो लॉस हर साल तो होगा नहीं ना, सिर्फ इस साल हो गया, तो वो ऐड कर दोगे उस साल के प्रॉफिट में जिस साल वो हुआ होगा। वैसे ही अबनॉर्मल गेन, गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी ₹2000, आपने मशीनरी बेची से 2000 का गेन हुआ, हर साल गेन होगा क्या? नहीं, मशीन आप क्यों लाए हो? ताकि आपको वो फर्म के डे टू डे ऑपरेशन में काम करे, मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करे, या किसी और चीज़ में हेल्प करे, इसलिए मशीन लाते हो। इसलिए तो लाते नहीं कि आप ये लाए हो अगले साल बेच दोगे प्रॉफिट कमाओगे, नहीं ना। बस तभी अगर वो एबनॉर्मल गेन हो गया हमें, वो आप प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे, किसमें से, उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे। तो एबनॉर्मल गेन उस साल के प्रॉफिट में जिस साल हुआ होगा उसमें से माइनस, एबनॉर्मल लॉस उस साल के प्रॉफिट में प्लस। अब समझ आ गया? वैसे ही कोई रेगुलर एक्सपेंस इरेगुलर इनकम अगर इंक्लूड नहीं की, वो हमें उस साल की इंक्लूड करनी पड़ेगी उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे मैं आपको बोलूँ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड ₹10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम आप हर साल पे करते हो? बिल्कुल सर। रेगुलर एक्सपेंस है? बिल्कुल सर। तो हमारा वो खर्चे जो हम हर साल पे करते हैं, हमारा रेगुलर खर्चा है, तो अगर वो प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं हुआ तो इंक्लूड कर दो। कैसे इंक्लूड करोगे? एक हमारा एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट में से वो चीज़ माइनस हो जाएगी। इस चीज़ का बस ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे गलतियाँ भी करते हैं। मैं इसके अच्छे से एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, दो भी क्या, तीन चार क्वेश्चन करवा दूंगा अच्छे लेवल के,
ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। टेंशन मत करना, वीडियोस की भी आने वाली है। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर स्ट्रेटजी बता दो सर, ये चीज़ बता दो सर, इस चैप्टर को कैसे अप्रोच करें, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। लिंक मैं प्रोवाइड हर जगह का नीचे कर दूंगा। पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें प्रॉपर ओवरव्यू दी हो जैसे यहाँ पे दूंगा, तो वो भी देख लेना ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाए। तो एवरेज प्रॉफिट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे। बिल्कुल सेम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट की तरह, बस एक चीज़ का गलत अलग है, हमें बस वेट्स देने होते हैं। क्या देने होते हैं? वेट्स। तो सबसे पुराना साल है उसको हम वन वेट दे देंगे, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं, चीज़ें निकालते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ इजी से, ठीक है? जैसे मैं आपको बोलूँ, जगह नहीं है, चलो ये बोल देता हूँ, ये 1000 आपका प्रॉफिट हो गया एक साल का, एक साल का प्रॉफिट आपका है 2000, एक साल का है 3000, ठीक है? आपको इनको वेट्स देने हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट हो तो आप इनको प्लस करते और 3 से डिवाइड करते, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाता। वेट्स में क्या रहोगे, 1, 2, 3 वेट्स दे दिए, अब इनका प्रोडक्ट कर दो 1000, 4000 एंड 9000। अब इन सबको प्लस करो, हो गया आपका 14000। इन सबको प्लस करोगे 6 आ जाएगा, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 14000 अपॉन 6। बस आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद आप गुडविल निकाल लो। इजी सा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आई होप आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एक बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं सोचा आपको क्यों ना समझा दूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, आओ देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको मैंने समझा दिया कैसे निकालते हैं, बात आती है सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। बच्चों को यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एन आर आर अपॉन 100। सबसे पहले चीज समझो, एन आर आर क्या हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जगह कम थी तो मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, वो कैपिटल जो हमारे बिजनेस में लगी हुई है। अभी समझ सकते हो कि वो कैपिटल जो हमारे बिजनेस में इंप्लॉय हुई हुई है, बिजनेस में लगी हुई है, इतना आप छोटा सा कंसेप्ट में समझ सकते हो, ठीक है? अब इसको निकालने के तरीके समझ लो। एक इसको निकालने का तरीका होता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, और एक होता है एसेट साइड अप्रोच, ठीक है? क्वेश्चन में आपको किसी एक अप्रोच गिवन होती है, कभी कभी दो भी गिवन होती है, आप जिस मर्जी से करो, ये तो एक दी होती है, आपको एक से निकालना पड़ता है। देखो क्या लाइबिलिटीज अप्रोच में क्या करोगे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और एसेट अप्रोच में ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इन दो चीज़ों में एक्सेप्ट लिखा है, मतलब अगर इन चीज़ों में आपका गुडविल आ रही है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, या फिक्टिशियस एसेट्स आ रहे हैं, ये आपको इंक्लूड नहीं करने, आपको माइनस करने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस रिजर्व्स, अगर ये चीज़ें उनको माइनस कर दो, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये चीज़ें उनको माइनस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स मुझे बता देना, मैं आपको कंप्लीट वीडियो बता दूंगा फिक्टिशियस एसेट्स पे कि क्या होते हैं, 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी। तो बेसिकली फिक्टिशियस एसेट्स हो सकता है यहाँ पे आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होता है, वो भी यही होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया होता है, वो भी यही होता है। तो बच्चों को ये चीज़ नहीं पता थी, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड आपका निकल गया, समझ आ गया आपको कैसे निकलना है। अब नेट प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड, जो आपको समझाया, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होता है, कभी 10%, 20%, जो भी आपको गिवन होगा आप निकाल लोगे, ये बहुत ईजी होता है, ठीक है? ये आपको गिवन ही होता है, आपको पुट करना होता है और आंसर निकल जाता है। दोस्तों अब हमने एवरेज प्रॉफिट सीख लिया, सुपर प्रॉफिट भी सीख लिया। अब हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है? तो जगह थोड़ी कम है, एक सेकंड में मिटा लूँ, उसके बाद आके प्रोसीड करते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों लास्ट मेथड पे, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों को पढ़ लेते हैं, बड़े ईजी हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। कहीं जगह आपको नेट एसेट्स भी दिखेगा, ये भी दोस्तों ठीक है, क्योंकि मुझे एक चीज़ बताओ, कैपिटल इंप्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, आप खुद बताओ, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो वही है। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, आपकी गुडविल निकल जाएगी। अब आप बोलोगे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म सर वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। NRR हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है, कब कभी एवरेज प्रॉफिट की जगह एक्चुअल प्रॉफिट भी गिवन होता है, वो भी एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर प्रॉफिट जब आप निकालते हो उसमें भी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हो ना, तब भी एवरेज की जगह एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, वो अमाउंट ले लेना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही होता है। अब आगे आओ, क्योंकि उस तरीके से भी दे देते हैं कभी कभी एवरेज प्रॉफिट की जगह वो एक्चुअल प्रॉफिट लिख देते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान रखना वो चीज़ का। तो आपको समझ आ गया, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म ये निकाल दी हमने, कैपिटल इंप्लॉयड हमें आता निकालना, आपका आंसर निकल जाएगा गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और लास्ट पे आते हैं
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वो कैसे निकालेंगे? उसका एक फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR. सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? एवरेज माइनस नॉर्मल होता है, बस एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट कुछ भी बोल सकते हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100. निकल गया, बात खत्म हो गई. तो यही था आज के वीडियो में. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों. अब मैं क्या करूँगा, इसके ना मुश्किल क्वेश्चन जो हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो पोस्ट करूँगा, आप जुड़ सकते हो वहाँ पे भी. प्लस जो बहुत मुश्किल होंगे, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे पोस्ट करने चाहिए, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, अब अगली वीडियो में आपको वो भी दिख जाएंगे, ताकि आपके यहाँ प्रैक्टिस ना रुके. दोस्तों मेहनत मैं भी करूँगा, आप भी करो, क्योंकि यार अच्छे मार्क्स लाने हैं, पढ़ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. अब मैं अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स होंगे मारूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी आना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी, और हाँ मेहनत करनी पड़ेगी. अब मैं क्या करूँगा, जो अगली वीडियो आएगी ना 4 से 5 क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि कैसी चीज़ें करनी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, अगर मुझे लगेगा बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि ट्राई करूंगा कि ना बस आपको समझा दूँ प्रॉपर से, हर लाइन समझा दूँ, ताकि आप सॉल्व खुद करो. क्योंकि जब सॉल्व करोगे ना, कॉन्फिडेंस आप में आएगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा जहाँ से भी आएगा आप फोड़ के रख दोगे, बूंदे उड़ा दोगे उस क्वेश्चन की. तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा. बाकी यार अकाउंट्स की अभी डाल दी मैंने वीडियो, और भी आने वाली हैं. इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की भी मैं ऐसे लाऊंगा, लेकिन थोड़े अलग तरीके में, क्योंकि यार वहाँ पे अप्रोच डिफरेंट है. क्यों अप्रोच डिफरेंट है? देखो अब इकोनॉमिक्स में भी केस स्टडीज़ हो गई हैं, आपको फ्लो चार्ट्स पता होने चाहिए, मतलब चीज़ें क्या हैं. क्योंकि अब इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ लर्न वाली चीज़ नहीं रह गई है यार, समझने वाली चीज़ रह गई है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ रह गई है. तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे. बाकी यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो कर दो, ताकि वो चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे आपको मिलती रहें. साथ में यार नोटिफिकेशन की घंटी कौन बजाएगा? हाँ कौन बजाएगा? मैं तो बजाऊंगा नहीं ना, आप ही बजाओगे, वो भी बजा देना. और बाकी यार कमेंट में आंसर ज़रूर देना गुड विल वाला, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था. बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो. टेक केयर. दिस इज शिवम जोहर साइनिंग ऑफ. बेस्ट विशेज.